दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से यदि कोई आपका ईमेल टेम्पलेट है उसको HTML में एज अटैचमेंट कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी HTML की डेटा को। एग्जांपल के लिए मैं पहले अपने चलता हूँ गूगल सीट में, मैं आपको दिखा देता हूँ, देन हम सारी चीज़ों को जो बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर सपोज़ देखिए, जैसे ये मेरा एक ईमेल करते हैं, मतलब ये बिल हम बनाते हैं गूगल सीट में, और इसको हम चाहते हैं कि ये जो बिल बना रहे हैं इसको हम ईमेल में HTML के रूप में ये पूरा डेटा एज इट इज़ जो होता है उसके अंदर चला जाए HTML टेम्पलेट के रूप में। तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेल आपको किस तरीके से दिखाई पड़ेगा, जिसमें अभी कोई डाटा तो नहीं है, अभी इसी ये सारी जो डेटा है, बस बिल्कुल मैं आपको ये टेम्पलेट दिखा रहा हूँ कि आपको ये ईमेल में टेम्पलेट कैसे दिखाई पड़ेगा। यहाँ से आपका डेटा इस टाइम, मतलब ये इसका पूरा फॉर्मेट है जिसमें अभी कोई डाटा नहीं आ रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इसको जो है ईमेल के रूप में, ईमेल से सारी चीज़ों को हम जो है गेट करेंगे, और गेट करके जो जो भी गूगल सीट के अंदर डेटा है उसको गेट करके अपने ईमेल के टेम्पलेट में डालेंगे, और डालने के बाद हम जो होता है वो डेटा को यहाँ पर मेल से अटैच करवा देंगे। कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को कर लीजिए सब्सक्राइब, और जो होता है मेरे चैनल को कर लीजिए, जो अपने वीडियोस को भी लाइक कर लीजिए, और साथ ही साथ जो होता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि ये वीडियो आप मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। और यह देखिए यहाँ पर जो ये टेम्पलेट है, टेम्पलेट के अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारे डाटा हैं। अब हमें क्या करना है कि ये जो सारे डाटा हैं इसको हम अपने HTML टेम्पलेट के अंदर डालेंगे, देन हम इसको जो होता है अपने ईमेल पे अटैच कराएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने कोडिंग कोड एडिटर के अंदर, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ सबसे पहले जो मेरा जिसके अंदर अभी हमें सारी कोडिंग करनी है वो यहाँ पर हम करेंगे, और इसके अंदर index.html के अंदर हमने जो होता है अपनी सारी ईमेल की जो भी कोडिंग करनी थी ईमेल HTML की, वो हमने यहाँ पे कर लिया है। ये अगर मैं अभी आपको बताने बैठूँगा तो इसमें अब मेरा वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। वैसे यहाँ पर ये जो हमारा टॉपिक है ये है जावास्क्रिप्ट की डेटा को, मतलब गूगल सीट की डेटा को HTML के अंदर कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो मैं एक्चुअली इसमें आपको HTML और CSS के बारे में तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बहुत जल्दी आपको HTML और CSS से रिलेटेड जो है काफ़ी वीडियोज़ लेकर के आऊँगा, जिसमें आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो मैं क्लियर कर दूँगा। तो इस वीडियोस में हम HTML और CSS की बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली अपने जावास्क्रिप्ट की कोडिंग को देखेंगे और इसके अंदर जो होता है डेटा को हम ऐड करवाएंगे, देन हम इसको जो होता है ईमेल को सेंड करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा HTML का डेटा जो अभी मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ ये हमारा HTML है, देन हमने इसमें style.css भी ऐड किया हुआ, मतलब इसके अंदर हमने अपना CSS भी लिखा हुआ है। तो जो फॉर्मेट अभी आपने ईमेल में मेरे इंट्रो पार्ट में देखा था एकदम उसी तरह का ये जो आपको टेम्पलेट है वो देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम code.js में चलते हैं, और यहाँ पर हमने देखिए एक फंक्शन बना लिया कैट ईमेल टेम्पलेट। तो ईमेल टेम्पलेट की जो डेटा है कैट ईमेल टेम्पलेट डेटा, यहाँ पर हम इसको जो होता है ये कर लेते हैं गेट ईमेल टेम्पलेट डाटा नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं डाटा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ईमेल के डाटा को हम कैट करेंगे कहाँ से, अपने गूगल सीट से। तो गूगल सीट से डाटा को गेट करने के लिए हमें पहले इस सीट को एक्टिवेट कराना पड़ेगा। तो ये है हमारा जो सीट है वो है उसका नाम बेल। तो हम पहले इस सीट को एक्टिवेट करते हैं सीट, और यहाँ पर स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट डॉट गेट सीट बाय नेम। यहाँ पर मैं आपको जो भी तरीके बता रहा हूँ अगर आप उसी तरीके से फॉलो करेंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा, और आगे वाले समय में मैं वेब ऐप से लेकर के सारी वीडियोस आप लेकर के आने वाला हूँ बहुत जल्दी। अब मेरे चैनल पर वहाँ पे मैं वीडियोस डालूंगा वेब ऐप से रिलेटेड, तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आगे, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा क्योंकि जो भी कुछ नई वीडियोज़ मैं लाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो अभी आपको इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं जिस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आप भी उसी तरीके से कर लीजिए, तो आपका जो भी डेटा है वो भी आपका मतलब ईमेल टेम्पलेट के रूप में बन जाएगा। और इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आगे जब वेब ऐप की वीडियोस लाऊँगा तो उसमें मैं सारी चीज़ों को एकदम बिल्कुल स्टार्ट से बताऊँगा, तो आपके जो भी डाउट्स होंगे वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, और यहाँ भी मैं आपको पूरी तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमने ले लिया है हमारा जो सीट बाई नेम है, ये बेसिक मेथड है सीट को एक्टिवेट कराने का। तो यहाँ से ये जो बिल है इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ।
एक चीज़ दोस्तों मैं और भी कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये जो कुछ भी कोडिंग यहाँ पे कर रहा हूँ इसकी सारी डेटा मेरे आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत जल्दी वहाँ पे ये उपलब्ध हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने सीट को एक्टिवेट कर लिया, अब हम क्या करेंगे एक एक डेटा को यहाँ से हम गेट करेंगे। जैसे मेरा जो ये परचेज ऑर्डर है उस परचेज ऑर्डर की वैल्यूज को हम यहाँ से गेट करेंगे। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं लेट परचेज ऑर्डर और इज इक्वल टू हमारा जो ये सीट है डॉट गेट रेंज और उसका जो कॉलम नंबर है मतलब जिस सेल में वो वैल्यू है वो हम चेक कर लेते हैं, ये है हमारा C6 का। तो C6 डॉट गेट वैल्यू यहाँ पे हम कर लेंगे तो इससे हमारा क्या होगा परचेज ऑर्डर हमें मिल जाएगा C6 डॉट गेट वैल्यू। अब इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बाकी जो भी होगा वो हम यहाँ पे एज इट इज उठा लेंगे एक करके। परचेज ऑर्डर हमने यहाँ से ले लिया है, अब यहाँ पर आई थिंक जो होता है यहाँ पे होगा परचेज डेट, परचेज ऑर्डर डेट है यहाँ पे, एक्चुअली मैं इसको लिख देता हूँ बिल डेट। और बिल डेट जो है हमारा है यहाँ पे मैं क्लिक करके देख लेता हूँ ये J6 में, यहाँ पे C6 की जगह पे यहाँ पे कर लेना आपको J6, तो इससे हमारा बिल डेट भी यहाँ पे आ जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा और अच्छे से दिखाई पड़े। यहाँ पे J6 करके हमने बिल डेट को ले लिया है। अब इसी तरीके से आगे चलते हैं, यहाँ पर है हमारा कंपनी का नेम, तो कंपनी का नेम पर हम क्लिक कर लेते हैं, देख लेते हैं ये कंपनी जो है किस जो है सेल में है हमारा A8 के अंदर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंपनी नेम को जो है सी नेम, तो यहाँ पे है हमारा A8 डॉट के, तो यहाँ पर ये हो गया कंपनी नेम के बाद इसके जो एड्रेस हैं एड्रेस 1 एड्रेस 2 और एड्रेस 3, तो ये भी हम उठा लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे चलते हैं ADD1 इसी तरीके से ADD2 और यहाँ से चलते हैं ADD3, तो हमारा ये एड्रेस 3 हो जाता है। तो इसका सेल को हम जो पहले चेक कर लेते हैं कौन कौन से सेल में ये एड्रेस 1 एड्रेस 2 एड्रेस 3 हैं, तो A9 है और A10 है और इसी तरीके से A11 है। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ A9 A10 और यहाँ पर है A11, तो हमारा यहाँ पे एड्रेस 1 एड्रेस 2 एड्रेस 3 भी हो चुका है। अब इसी तरीके से हम जो है इसके जो GST नंबर है कॉन्टैक्ट पर्सन नेम है कॉन्टैक्ट नंबर है और ईमेल है इसको भी हम गेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ये जो कुछ भी वैल्यूज जो हमने यहाँ पर बनाई हुई एड्रेस 3 को इसी को मैं कॉपी करके नीचे 4-5 बार पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हो चुका है, अब मैं एड्रेस 3 की जगह पे मैं देख लेता हूँ आगे का क्या है GSTIN, यहाँ से मैं GST नंबर को भी गेट करना है। तो GST जो है हमारा कौन से सेल के अंदर है ये हम एक बार चेक कर लेते हैं, ये है H8 से लेके K8। एक्चुअली ये डेटा सेल मर्ज है तो आपका जो भी स्टार्टिंग सेल है वहीं से आपको उसका सेल नंबर देना है H8, तो हमारा जो H8 है वहाँ पर हम देंगे GST नंबर और उसके आगे का क्या है कॉन्टैक्ट पर्सन नेम कॉन्टैक्ट नंबर, तो ये है H8 के बाद H9 10 और 11। मैं इसको कर लेता हूँ, यहाँ पे H8 हो गया है और कॉन्टैक्ट नंबर पर्सन कॉन्टैक्ट पर्सन और कॉन्टैक्ट पर्सन का जो C है वो छोटा कर लेता हूँ और ये है आपका कॉन्टैक्ट पर्सन GST के बाद ये A8 है तो आई थिंक ये A9 है, मैं कन्फर्म कर लेता हूँ दोबारा से, तो ये है H9 H8 के बाद यहाँ पे डाल देते हैं H9 और इसी तरीके से कॉन्टैक्ट पर्सन के बाद फोन नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ P नंबर और यहाँ पर उसका जो रेंज होगा H10, यहाँ पर उसके बाद P नंबर हुआ ईमेल और ईमेल है हमारा H11। तो यहाँ तक का काम हो चुका है, मतलब हमने एक एक जो सेल के अंदर जो सारी वैल्यूज थी वो हमने यहाँ पे गेट H11 में है और यहाँ पे H10 पे मैंने कंफर्म मतलब ये चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं। अब उसके बाद जो है हमें इसकी जो जहाँ पे सारा बिल है जहाँ पे जो सारी बिलिंग की डेटा यहाँ पे एक्चुअली जो आ रही है इसको हम जो है यहाँ से गेट कर लेते हैं, तो इसको भी हम गेट करने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं
ये जो रेंज है बेसिकली हमारा B3 या फिर A3 जहाँ से भी हम ले लें, A30, तो हम इसका जो था लास्ट रो फाइंड आउट करके जहाँ तक ये बिलिंग पे जो हुई है, पूरा जो भी डेटा है बिलिंग का उसको हम गेट कर लेंगे। तो उसके लिए हम लास्ट रो पहले डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ तक तो काम हो चुका है, अब हमें पूरे बिलिंग एरिया को जो होता है जिसमें बिल एक्चुअली बना हुआ उसको भी हम ले लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले लास्ट रो फाइंड आउट कर लेते हैं। लास्ट रो, लास्ट रो इज इक्वल टू, अब लास्ट रो में हमारा जो सीट है डॉट गेट रेंज, और गेट रेंज में जो लास्ट रो निकालने का जो तरीका होगा वो होगा हमारा A13 पर हम जाएंगे और A13 से जो हमारा लास्ट डेटा होगा वहाँ से हम इसकी वैल्यूज को गेट करेंगे। A13 डॉट गेट डेटा रीजन डॉट गेट लास्ट, तो यहाँ पे लास्ट रो हमें मिल चुका है। लास्ट रो के बाद हमें जो होता है बिलिंग एरिया, जो हमारा बिलिंग एरिया है वो भी हम ले लेते हैं। लेट यहाँ पे सारा डिटेल है बिलिंग एरिया, बिलिंग एरिया हमारा जो भी होगा वो क्या है उसको भी हम ले लेते हैं। सीट डॉट गेट रेंज, और गेट रेंज के अंदर हमारा जो ये रेंज है पूरा यहाँ से ले करके आई थिंक हम इसको पूरा ले लेते हैं। सीरियल नंबर अगर ऐड होगा तो वो भी रखना पड़ेगा हमें, A14 से लेकर के K18 तक, A14 से लेकर के K18। अब K18 अगर मैं करता हूँ तो ये हमारा बिल्कुल स्टैटिक वैल्यूज उठाएगा, तो मतलब यहाँ पे हमें स्टैटिक वैल्यू नहीं देना है। हमें क्या करना है इसको ऑटोमेटिकली यहाँ जहाँ भी डेटा कम या ज़्यादा हो तो उसके हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट करे। तो K18 के जगह पे हम यहाँ पे कर लेते हैं प्लस लास्ट लास्ट डॉट गेट वैल्यूज। इस तरीके से हमें इसकी जो है वैल्यूज को सारी गेट कर लें। तो ये डेटा हमने अपने सीट से तो उठा लिया, यहाँ से हमको जो सीट की सारी डेटा हमको मिल चुकी है। एक बार मैं लॉगर के अंदर इसको चेक भी कर लेता हूँ कि ये जो वैल्यूज हैं बिल्कुल ठीक तरीके से आ रही हैं कि नहीं आ रही है। तो मैं पहले बिलिंग एरिया को ही चेक कर लूँगा कि इसके अंदर लास्ट रो जो था हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो मैं एक बार इसको रन कर लूँगा। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, लॉगर की लॉगर कर लेता हूँ दोबारा से, वो एक्चुअली कैपिटल हो गया था। तो यहाँ पर जो एग्जैक्टली जो डेटा है हमारा 3334, तो ये आई थिंक 3304 तक का डेटा यहाँ पे कैट हो चुका है। तो मतलब हमारा जो लास्ट वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमें मिल चुका है सारी चीज़ें जो हमें एक्चुअली में चाहिए थी। तो हमारा बिलिंग एरिया जो मतलब जहाँ तक हमको सारा डेटा चाहिए था वो सब कुछ हमें गेट हो चुका है। अब ये क्या करना है कि ये जो डेटा है इसको हमें अपने HTML टेम्पलेट के अंदर भेजना है। तो HTML टेम्पलेट के अंदर भेजने के लिए हमें इसके HTML जो हमारे पास HTML को के साथ अगर खेलना चाहते तो उसके लिए जो हमारे पास क्लास है HTML सर्विस उसको हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये हम एक वेरिएबल बनाते हैं HTML सर, या फिर आप लिख सकते हैं लेट HTML सर्विस। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा HTML सर्विस, ये हमारा जो क्लास नेम है इसको हम लेंगे डॉट, और यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम फाइल, ये वाला ऑप्शन आपको लेना है। एक्चुअली क्या है कि जो हमारी फाइल है उसके टेम्पलेट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। बेसिकली तो हमारा जो टेम्पलेट कौन सा है, ये हमारा इंडेक्स वाला, इसी के अंदर हमारे HTML का टेम्पलेट बनाया हुआ है। तो HTML का जो टेम्पलेट हमने बनाया हुआ है तो ये उसके लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम फाइल, और हमारा जो टेम्पलेट का नाम है वो आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इंडेक्स, जिस तरीके से लिखा हुआ बिल्कुल आपको वैसे ही लिखना है इंडेक्स। अब इंडेक्स जब आपने लिखा तो इसके बाद जो होता है जो कुछ भी टेम्पलेट के अंदर आपको डालना है, अब आप इस जो कुछ भी अभी हमारा जो टेम्पलेट है वो हमारा HTML सर्विस है। HTML सर्विस के अंदर अब जो भी आप जो वैल्यूज आपको मिली हुई वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे HTML सर्विस, जो हमारा ये है HTML सर्विस डॉट, अब हम एक एक वैल्यू को जो होता है HTML के सेंड करेंगे तो हमें एक एक वैल्यूज को जो होता है यहाँ पर एक वेरिएबल बना के स्टोर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज ऑर्डर, तो परचेज ऑर्डर पी ऑर्डर मैं लिख देता हूँ, पी ऑर्डर नाम का एक वेरिएबल मैंने बना लिया है पी ऑर्डर। और पी ऑर्डर हमारा किसके बराबर होगा, हमारे
परचेज ऑर्डर परचेज ऑर्डर। तो देखिए ये परचेज ऑर्डर आप हाईलाइट, क्योंकि अब जो पी और परचेज ऑर्डर है वो हमारा पी ऑर्डर के बराबर हो चुका है, क्योंकि एचटीएमएल में ये जो अब हमें परचेज ऑर्डर नहीं देने के बजाय मैं पी ऑर्डर भी लिखूंगा, तो इट मीन्स जो होता है ये परचेज ऑर्डर के बराबर होगा, मतलब परचेज ऑर्डर ही हमारा पी ऑर्डर हो चुका है। इसी तरीके से आप इसको सारे कॉपी कर लीजिए, क्योंकि अब हमें एचटीएमएल के अंदर ये सारे डेटा को भेजना है, तो हमें यहाँ पे एक एक करके इसको पेस्ट कर लेना है। हमें यहाँ तक कर लिया, बाकी जो कुछ भी होगा हम आगे चल के चेंज कर लेंगे। तो यहाँ परचेज ऑर्डर हो चुका है, अब इस तरीके से बिल डेट है, तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ और परचेज ऑर्डर की जगह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिल डेट, और इसके लिए जो वेरिएबल बनाऊंगा मैं लिख देता हूँ बी डेट। और इसी तरीके से सी नेम है, तो मैं इसको यहाँ पर परचेज ऑर्डर की जगह पर मैं लिखूँगा सी नेम, और इसके लिए जो वेरिएबल बनाऊंगा मैं लिख देता हूँ सी ओ एम नेम, सी ओ एम नेम मैंने कंपनी नेम, सी ओ एम पी कर देता हूँ कंपनी नेम, सी ओ एम पी नेम इज इक्वल टू सी नेम। अब इसी तरीके से हमारे पास एड्रेस वन है, तो हम एड्रेस वन को भी यहाँ कर लेते हैं, और इसके लिए भी जो वेरिएबल बनाएंगे वो भी एड्रेस वन ही है। इसमें मतलब आप चेंज कर सकते हैं या एज इट इज़ भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसी तरीके से एड्रेस टू है, तो हम एड्रेस टू को भी यहाँ पर लिख लेते हैं, एड्रेस वन की जगह पर यहाँ एड्रेस टू कर लेते हैं, और पी ऑर्डर की जगह पर यहाँ पर भी एड्रेस वन लिख करके यहाँ एड्रेस टू लिख। उसी तरीके से एड्रेस थ्री है, तो एड्रेस थ्री यहाँ कर लेते हैं, और परचेज ऑर्डर में भी एड्रेस थ्री कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो हमने एचटीएमएल के डेटा को सेंड कर लिया, बाकी आगे के भी डेटा को हम सेंड कर लेते हैं। ये है हमारा जीएसटी नंबर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जीएसटी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जीएसटी, तो यहाँ जीएसटी हो गया। तो अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन नेम है, तो यहाँ मैं बस कौन पर्सन मैं बना लेता हूँ वेरिएबल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट पर्सन। अब यहाँ पे है फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे पी नंबर को यहाँ पे भी आप उठा करके रख लीजिए, क्योंकि ये हमारा वेरिएबल, ये हमारा एस टी एम एल का जो वेरिएबल है वो हो गया, और ये पी नंबर हमारा किसके बराबर, किसके बराबर होगा, फोन नंबर। अब इसी तरीके से आपको ये लास्ट में बचता है ईमेल और बिलिंग एरिया, तो इसको भी हम बना लेते हैं ईमेल और बिलिंग एरिया के लिए भी, और मैं इसी को दो बार कॉपी कर लेता हूँ। अब इसके बाद ईमेल है, तो हम ईमेल को भी ले लेते हैं, मैं लिख देता हूँ ईमेल, और ईमेल की जगह पे मैं लिख देता हूँ ईमेल, और यहाँ पे लास्ट में है हमारा बिलिंग एरिया, तो मैं यहाँ भी बिलिंग एरिया कर देता हूँ, और यहाँ भी बिलिंग एरिया। तो वेरिएबल के रूप में हमारा ये जाएगा जो हमने यहाँ पे, अब ये मतलब ये जो वेरिएबल था ये हमारा गूगल सीट की वेरिएबल थी। अब इस वेरिएबल को हमने अपने HTML में सेंड करने के लिए, इसके लिए हमने एक अलग से वेरिएबल डॉट जो HTML सर्विस डॉट पी ऑर्डर, अब ये जो पी ऑर्डर है, अब ये हमारा जो होता है पी परचेज ऑर्डर की जगह पे ये, और ये पी ऑर्डर चलेगा। तो हमारे पास जो था ये सेंड करने के लिए टेम्पलेट में हमने अलग से वेरिएबल बना लिए, मतलब ये जो वेरिएबल है ये HTML के लिए काम करेगा, अब ये वाला जो वेरिएबल है ये हमारे गूगल सीट के लिए काम करेगा। तो गूगल सीट से सबसे पहले हमें जो था सारा वेरिएबल बना के डेटा को गूगल सीट से अपने इस वेरिएबल में स्टोर कराया, अभी इस वेरिएबल को हम अपने HTML में भेजने के लिए अलग से हमने वेरिएबल यहाँ पे बना दिया है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो हमारा जो HTML सर्विस है इसको हमें इवाल्यू, इसके सारे कंटेंट को हमें फाइंड आउट करना होगा। तो HTML सर्विस डॉट इवाल्यूएट डॉट गेट कंटेंट, तो हमें इसके कंटेंट को फाइंड आउट कर लेना है, और यही हमारा है टेम्प HTML टेम्पलेट। तो यह है, इसको भी हमें वेरिएबल में उठा लेते हैं HTML टेम्प, HTML टेम्प का मतलब हो गया HTML टेम्पलेट। तो हमारा जो HTML टेम्पलेट है ये हमें मिल चुका है, बाद में हम इसको मेल पे किस तरीके से अटैच करेंगे वो हम देखेंगे, लेकिन हमारा यहाँ अभी तक का काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये जो वेरिएबल अभी आपने बनाया है इस वेरिएबल को अब हमें अपने इस HTML टेम्पलेट के अंदर डालना है। तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये जो वेरिएबल हमने बनाए हैं, और इसको किस तरीके से HTML के अंदर जो है लिखना है वो हम देखेंगे। तो यहाँ सबसे टॉप पे चलते हैं, यहाँ पे हमारा कंटेनर स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए कंटेनर,
और यहाँ पे सब हेडर है, सब हेडर, और जस्ट नीचे आके नीचे आना है आपको और परचेज। हाँ तो यहाँ पर देखिए हमने अभी परचेज ऑर्डर लिखा हुआ है, तो परचेज ऑर्डर की जगह पे हमारा क्या होगा, पीओ ऑर्डर हमें लिखना है। तो वो कैसे लिखा जाता है, मतलब जावास्क्रिप्ट में यहाँ पर एक स्पेशल जो होता है मेथड दिया गया है आपको, अगर HTML के अंदर कोई भी जावास्क्रिप्ट या फिर आप अपने गूगल सीट की डेटा को डालना है तो उसको आप डायरेक्टली यहाँ पे जब पीओ ऑर्डर इस तरीके से जैसे मैं लिख दूँ तो ये नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिखा जाता। इसका जो लिखने का तरीका है वो कुछ इस तरीके से, पहली बात आपको ग्रेटर देन और लेस देन का साइन यहाँ पे लिखना होगा। देन यदि आपको जो होता है जावास्क्रिप्ट के साथ जावास्क्रिप्ट की वैल्यूज को जो होता है लाना है तो आपको दो तरीके से क्वेश्चन मार्क यहाँ लिखना होगा। देन आपको इक्वल का साइन लगा करके अगर आप मतलब अपनी जावास्क्रिप्ट की वीडियोज़ को मतलब वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखना चाहते हो, मतलब उसकी वैल्यूज़ को गेट करना चाहते हो तो इस तरीके से आप लिखोगे ग्रेटर देन लेस देन का साइन यहाँ लगाना है, दो क्वेश्चन मार्क देना है, उसके बीच में आपको इक्वल का साइन दे करके वो वेरिएबल लिखना होगा जो अभी आपको मैंने दिखाया था परचेज ऑर्डर, और यहाँ से ब्रैकेट के अंदर लिख करके सेमी कॉलन लगाना है। तो ये जो है लिखने का ये प्रॉपर मेथड है और इसी तरीके से आपको लिखना होगा जब कभी भी आप गूगल सीट से डेटा को HTML के अंदर डालेंगे, मतलब HTML की वैल्यूज़ को जो था आपको लगाने मतलब यहाँ पे शो कराने के लिए आपको ग्रेटर देन लेस देन क्वेश्चन मार्क और इक्वल का साइन जब तक नहीं देंगे तब तक ये आपका HTML की जावास्क्रिप्ट की डेटा यहाँ पे पॉपुलेट नहीं होगा। तो अब इसी तरीके से यहाँ पर भी हम कर लेते हैं, जो कि हमारा है बिल नंबर है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या क्या करना है, लेबल है, बिल नंबर है, डीप बना हुआ है और यहाँ पे ऑर्डर है, तो ऑर्डर यहाँ पे परचेज नंबर है, देख लेते हैं पूरे प्रॉपरली तरीके से, बिल नंबर है, परचेज ऑर्डर, और ये ऑर्डर डेट, और हमें एक्चुअली लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है, एक बार मैं इसको दोबारा से कर लेता हूँ। यहाँ पे पी ऑर्डर नहीं रखना था, ये एक्चुअली हमारा H1 टैग है और यहाँ लिखा हुआ परचेज ऑर्डर, H1 टैग के अंदर परचेज ऑर्डर नहीं लिखना है, ऑर्डर हमें एक्चुअली जो लगाना है वो यहाँ पे लिखना है इसके अंदर। तो लिखने के लिए जो तरीका बताया था वो आपको इसी तरीके से लिखना है, ग्रेटर देन लेस देन का साइन लगाना है, क्वेश्चन मार्क्स लगाने हैं, देन क्वेश्चन मार्क्स के बीच में एक इक्वल का साइन देना है, ब्रैकेट ओपन करके वो वेरिएबल जो डालना है आपको, जो वेरिएबल अभी अब मैंने आपको बताया था ये इस तरीके से, और यहाँ पर मैं एक बार और यहाँ पर फिर से मैं लिख देता हूँ ग्रेटर देन लेस देन क्वेश्चन मार्क्स, और यहाँ पर इक्वल का साइन, और यहाँ पे ये जबकि हमारा जो जावास्क्रिप्ट हमने बनाया था पी ऑर्डर उसको। सेमी कॉलन लगा देना, तो ये इस तरीके से आपको तो यहाँ पर हमारा काम किया। अब यहाँ पे परचेज डेट को करना है तो यहाँ पर बिल्कुल सेम इसी तरीके से लिखना है, तो यहाँ पर भी मैंने उसी को कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ पे, और इसके बाद जा करके सीट के अंदर से वो वाला जो हमने वेरिएबल बनाया है बी डेट उसको हमें यहाँ पे डाल देना है पर पी ऑर्डर की जगह बी डेट, तो ये हमने डाल दिया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और बस नीचे चलते हैं, और यहाँ पे जो जो कुछ चीज़ें हमें चेंज करनी है वो हम कर, जैसे यहाँ सी नेम है, सी नेम बेसिकली हमारा क्या है कंपनी नेम, तो कंपनी नेम के लिए भी हमें इसी की डेट यहाँ पर जो हमने बनाया है बिल्कुल इसी को कॉपी कर लेते हैं और सी नेम को यहाँ पे डाल देते हैं की जगह पे ये रिप्लेस कर देते हैं, एड्रेस 1 के लिए जगह पे भी ऐसे ही कर लेते हैं और 2 के लिए भी, और इसी तरीके से एड्रेस 3 के लिए। अब यहाँ पे कंपनी नेम के लिए जो कुछ भी अब हमने वेरिएबल सारे बनाए हैं एक एक करके यहाँ पे हम डालते जाते हैं, कंपनी नेम, और यहाँ पे लिखा हुआ है लोकेशन साइट कंपनी नेम हो गया, और यहाँ पे था एड्रेस 1 एड्रेस 2 एड्रेस 3, यहाँ ADD 1 एड्रेस 1, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा ADD 2, और यहाँ लिखना होगा ADD 3, तो यहाँ पर एड्रेस 3 भी आ जाएगा, मैं यहाँ दोबारा चेक कर लेता हूँ ADD 1 ADD 2 और ADD 3, देन GST वाला है तो GST को भी हम कर लेंगे इसी तरीके से, चलते हैं अपने कोड HTML के अंदर,
और यहाँ पर जो कुछ भी हमने क्लास देखी यहाँ बनाई हुई है GST, और GST की जगह पे यहाँ पे सेम यही डेटा को जो ऊपर हमने किया हुआ है इसी को यहाँ से कॉपी कर लेना है। GST की जगह पे ये वाला डेटा डाल देना, GST की जगह यहाँ पे लिख देना आपको GST। GST हो चुका है, उसके बाद आपको पर्सन नेम के लिए भी करना पड़ेगा, तो पर्सन नेम को भी जो यहाँ पर्सन लिखा हुआ उसकी जगह पे आपको जो हमने कॉपी पेस्ट किया हुआ था उसी को हम कॉपी करके दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं। और यहाँ पर्सन नेम के लिए देखते हैं कौन पर्सन है, कॉन्टैक्ट पर्सन, तो यहाँ पे कौन पर्सन की जगह पे मैं यहाँ पे एड्रेस लिख के कौन पर्सन डाल दिया। उसके बाद मोबाइल नंबर को भी हम यहाँ चेंज करेंगे, और मोबाइल नंबर को चेंज करने के लिए ये जो डेटा है इसी को कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आकर के उसको चेंज कर देना। और इसी तरीके से ईमेल को भी चेंज कर देना है यहाँ पर, और नीचे चले जाना है। तो यहाँ तक काम हो चुका है, पर अब हम फिलहाल चल के अपने डेटा के अंदर से वो सारी चीज़ें ले लेते हैं, फ़ोन नंबर यहाँ पर, फोन नंबर, और यहाँ पर ईमेल की जगह पे हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ तक अभी वेरिएबल को हमने सारा डाल दिया है। अब बात करते हैं, सबसे नीचे चले आते हैं, और यहाँ पर देखिए ये हमारा जो बॉडी है टेबल हेड के बाद जो टेबल यहाँ हेड है, टेबल हेड देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है, मतलब उसकी हेडिंग है, यहाँ पे सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस पर क्या करना है, इसकी जो डेटा है वो हमें यहाँ टेबल बॉडी के अंदर हमें डालना है। तो टेबल बॉडी के अंदर हमारा ये TR है और ये TD है, एक एक करके इसे हमें जो है जावा स्क्रिप्ट से जो है हमें पॉपुलेट कराना होगा। अब चूंकि हमें अगर मैं आपको चलूँ तो ये एक नहीं है, इसमें पाँच जो है कॉलम रो हैं, पाँच रो में डाटा है, सारे डेटा को हमें कैप्चर करके जो है इसके अंदर डालना होगा। तो मैंने क्या करना है, हमें एक एक डाटा की वो रीड करने के लिए हमें लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और मैंने आपको कई सारे लूप्स बताए हैं, बट इसमें जो लूप लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज होता है। जिस तरीके से अभी मैंने ऊपर में दिखाया है बिल्कुल उसी तरह से मिलता जुलता है, तो कैसे लिखेंगे वो मैं देख लेता, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जब भी, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट के डेटा को पॉपुलेट करा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ग्रेटर देन लेस देन वाली साइन लगाना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। और यहाँ पर जो हमारा अभी बिलिंग एरिया नाम का जो हमने वेरिएबल बनाया है, क्योंकि इसी के अंदर तो हमारे सारे वैल्यूज़ आ रहे हैं A14 से K तक की वैल्यूज़ है, वो हमारा बिलिंग एरिया के वेरिएबल में स्टोर है। तो बिलिंग एरिया को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं बिलिंग एरिया डॉट फॉर इच मेथड का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से फॉर इच लिखा जाता है बिल्कुल आपको वैसे ही लिखना है। फॉर इच लिखने के बाद यहाँ पर हम एक फंक्शन बना लेते हैं, जो हमने फैट एरो फंक्शन के थ्रू R इज इक्वल टू यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस, यहाँ पर इक्वल और लेस, और हमें यहाँ पे आपको साइन लगाना है ग्रेटर देन का, और देन कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे इस तरीके से। कर्ली ब्रैकेट्स लगाने के बाद आपको यहाँ पर जो होता है क्वेश्चन मार्क देना है, क्वेश्चन मार्क दे करके यहाँ पर इस तरीके से ग्रेटर देन का साइन देना है, देन आपको लेस देन का साइन देना है, और देन इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ये लगा देने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से नीचे करना है, और ये जो TR है इस TR को आपको इसके बीच में रख देना, क्योंकि ये एक एक रो जो होता है इटरेट होगा, तो क्या होगा इस लूप के अंदर ही हमें रखना है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ये देखिए। तो ये क्या होगा, बिलिंग एरिया डॉट फॉर ईच क्या करके एक एक चलेगा, मैंने एक एक रो के लिए चलेगा, और उसके सारे डेटा को जावास्क्रिप्ट की मदद लूप की मदद से फिल करता जाएगा। तो अभी क्या होगा, जैसे फॉर ईच में आपने देखा था जो कुछ भी हम वेरिएबल बनाते हैं उसके अंदर जो कॉल बैक फंक्शन होता है, कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो कुछ भी वैल्यूज़ हम लिखते हैं वो हमारा जो वेरिएबल पहले से हमने डिफाइन किया उसकी सारी वैल्यूज जो होता है गेट हो जाती हैं। तो ये फॉर ईच वाले जो डाटा में आप जो वैल्यूज डालते हैं, जैसे आर की अभी जो कुछ भी वैल्यूज़ होगी वह इक्वल हो जाएगी हमारे बिलिंग एरिया पे, मतलब बिलिंग एरिया में जो कुछ भी वैल्यूज़ हैं आप आर, अब आर आर में जा चुके हैं। तो अब मुझे बिलिंग एरिया को लिखने के बजाय अब हमें आर से ही काम करना होगा। कैसे लिखेंगे यहाँ पे वो हम, यहाँ पे आर की एक एक वैल्यूज़ जो होता है हमें लानी है, तो उसके लिए फिर से हमें जावास्क्रिप्ट के जो होते हैं, क्योंकि ये वैल्यूज़ हमें आने वाली हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्वेश्चन मार्क्स नहीं लिखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये डायरेक्टली हमें यहाँ पर ये इस तरीके से ब्रैकेट्स ग्रेटर देन और लेस देन का केवल साइन लिखा हुआ है, उसमें हमने वो चीज़ नहीं लिखा हुआ कि इक्वल का साइन देना है और ये सारी चीज़ें हमने नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, जावास्क्रिप्ट की वैल्यूज़ जो था हमें यहाँ पे नहीं दिखानी है, हमें केवल जावास्क्रिप्ट को जो था पॉपुलेट करवाना था। तो यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पे एक ही काम करना है कि आपको सिंपली यहाँ पर बस केवल क्वेश्चन मार्क का साइन दे देना। क्वेश्चन मार्क का साइन देने से क्या हो जाएगा कि आपको यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं देना, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई वैल्यू जो है जावास्क्रिप्ट नहीं लानी है, यहाँ पे हमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट के डेटा को ही यहाँ पे अंदर पॉपुलेट कराना है। तो जहाँ हमें अंदर पॉपुलेट कराना है वहाँ पर हम जो होता है इक्वल का साइन देंगे, ना कि हमें यहाँ पर देने की जरूरत है ऊपर। तो यहाँ पर हम बिल्कुल उसी तरीके से लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे चूंकि हमें वैल्यू पॉपुलेट करवानी है तो यहाँ इक्वल देंगे, और इक्वल में हम लिखेंगे आर, चूँकि अभी बिलिंग एरिया की जो कुछ भी वैल्यू है वो अब आर में आ चुकी है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं आर का जीरो इंडेक्स। तो हमने यहाँ पे लिख दिया आर का जीरो इंडेक्स, और इसी तरीके से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब क्योंकि आर की तो सारी वैल्यूज यहाँ एक एक करके आएंगी, तो यहाँ पे मैं आर जीरो, यहाँ पे सारे अभी मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, जो हमने ऊपर वाले डेटा को कॉपी किया था उसी से सारी वैल्यूज को रिप्लेस कर देता हूँ, फिर बाद में इसकी ओरिजिनल वैल्यू डाल दूँ। तो आर क्या होगा जब एक एक करके चलेगा, तो यहाँ पहले जीरो की वैल्यूज आएगी, पहले जीरो नंबर पोजीशन पे जो वैल्यू होगी वो हमारे इस जो होता है कॉलम में आएगी, देन उसके बाद जो होता है वन नंबर इंडेक्स की जो वैल्यूज होगी वो ये जो होता है दूसरे नंबर कॉलम में आएगी, इसी तरीके से टू नंबर, इसी तरीके से थ्री नंबर, इसी तरीके से इंक्रीज सो ऑन होता रहेगा। तो यहाँ पर सारी जो वैल्यूज आएंगी वो मैं वहाँ पर उसकी इंडेक्सिंग डाल देता हूँ, सिक्स सेवन और यहाँ पे एट, यहाँ पे नाइन और यहाँ पे टेन। तो हम यहाँ पर क्या होगा कि जब लूप चलेगा तो एक एक करके सारी रो के अंदर सारे डेटा को फिल करेगा, जितना दूर तक डेटा मतलब जितने रेंज में डेटा है उतनी बार चल करके सारी वैल्यूज को एक एक करके यहाँ पे फिल करता जाएगा। तो ये हमारा लूप हमने यहाँ पे बना दिया। तो अभी ये जो हो चुका है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे काम मतलब यहाँ तक तो हो ही चुका है, जस्ट थोड़ा सा नीचे चलते हैं और देखते हैं यहाँ कुछ भी और फिल करने हैं कि नहीं करने हैं। तो यहाँ पर देखिए ये टोटल यहाँ पे आ रहा है, टोटल तो हमने यहाँ पे डालना था और देन यहाँ पे 4500 बाई मैनुअल मैंने फिल किया हुआ, लेकिन एक्चुअल अगर हम चलें यहाँ पर तो देखें तो ये यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ अलग ही आ रही है। तो विथ जो तो ये जो अमाउंट है ये कहाँ पे K22 में है, तो K22 की वैल्यूज़ को भी हमें गेट पहले गूगल टीप की डेटा को गेट कर लेते हैं, या फिर आप इसको मैनुअल भी कर सकते हैं। तो मैनुअल भी करना हो तो आप इसे मैनुअल कर लीजिए, या फिर जैसे मैंने अभी बताया था तरीका उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लैट टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीट डॉट गेट रेंज, इसको मैं इसको जस्ट ऊपर वाले को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर। तो जस्ट आप ऊपर जाएंगे और इसकी जो वैल्यूज़ है वो क्या है, ये है आपका K22। तो मैं K22 की वैल्यूज़ को यहाँ पे डाल देता हूँ, K22। अब टोटल अमाउंट को अब चूंकि हमने गूगल सीट से तो उठा लिया है, अब इसको हमें HTML में भेजना है, तो HTML में भी इसके वेरिएबल्स को हमें बनाने पड़ेंगे। तो HTML में इसके वेरिएबल्स को बनाने के लिए क्या करते हैं, HTML सर्विस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HTML सर्विस डॉट टी अमाउंट, और ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा जो ये टोटल अमाउंट है इसके बाद। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ टी अमाउंट को कॉपी, और यहाँ पे चलते हैं अपने इंडेक्स के अंदर और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इंडेक्स के अंदर चल के जो मैंने अभी हार्ड कोडेड 45 लिखा हुआ है इसको भी हम जावास्क्रिप्ट की मदद से पॉपुलेट करा लेंगे। इसके लिए मैंने ग्रेटर देन लेस देन का साइन लिखा, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लगाया, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स, और चूंकि हमें जावास्क्रिप्ट की वैल्यू को यहाँ पॉपुलेट करवाना है तो मैंने किया इक्वल का साइन, और ब्रैकेट को ओपन क्लोज करने के बाद यहाँ पर हम उस वेरिएबल को डालेंगे टी अमाउंट,
और यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देंगे। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे कर ली, सारी जावा जो भी एचटीएमएल के लिए मैंने वेरिएबल बनाए थे सब कुछ यहाँ बन के रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि वापस अपने कोड के अंदर चलना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, और मैं अभी एचटीएमएल टेम्प को अगर मैं यहाँ पर लॉगर करूँ तो मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। लॉगर डॉट लॉग, और ये जो वेरिएबल है एचटीएमएल टेम्प, इसको मैं एक बार रन कराता हूँ, देखते हैं कि क्या वैल्यूज आ रही है इसके। इंक्लूड इज नॉट डिफाइंड, हाँ तो अभी एक चीज़ और कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इंक्लूड फंक्शन डिफाइंड नहीं है कि एक्चुअली हमने यहाँ पर ऊपर करते चलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने सी एस एस फाइल को भी इंक्लूड किया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये हमने इसके लिए यहाँ पे लगाया हुआ था, वो मैंने पहले से ट्रायल किया था तो वो लग रहा है यहाँ पे छूट गया है। तो यहाँ पर देखिए कि जो स्टाइल नाम का जो सीट है, ये स्टाइल जो होता है ये भी इसी इंडेक्स के साथ ही, इंडेक्स एच टी एम एल के लिए ही हमने लगाया हुआ है। तो जैसे अगर आपने एच टी एम एल सी एस एस के बारे में अगर थोड़ा सा भी आइडिया होगा, तो क्या होता है कि अगर मैं आप कोई एक्सटर्नल सी एस एस लिखते हैं तो उसकी फाइल को भी अपने एच टी एम एल फाइल के साथ इंक्लूड करना होता है। तो वहाँ पर लिंक डॉट एच आर एफ करके वहाँ लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर गूगल सीट में यदि आप कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको लिखने का जो तरीका वो इस तरीके से होगा कि अगर आपको एच टी एम एल की डेटा को पॉपुलेट करवाना है तो ये है आपका पहली बार जावा स्क्रिप्ट को पॉपुलेट कराने के लिए। इस तरीके से लेस देन और ग्रेटर देन का आप साइन लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, और इक्वल साइन अभी तक मैंने आपको बताया था ये तब लगाया जाता है जब आप जावा स्क्रिप्ट की डेटा को पॉपुलेट कराना चाहते हैं। और इक्वल के साथ यदि आप एक्सक्लेमेशन का साइन लगाते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका एच टी एम एल की डेटा को आप पॉपुलेट करवा रहे हैं। तो स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर जो कुछ भी लिखा वो भी तो हमारा एच टी एम एल का ही पार्ट है, तो उसको हमें चूंकि यहाँ पे पॉपुलेट करवाना है तो यहाँ मुझे एक्सक्लेमेशन का साइन देना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंक्लूड, और इंक्लूड के बाद आपको जो फाइल का नेम, ये जो जिस तरीके से ये फाइल नेम लिखा हुआ है उसी तरीके से आपको यहाँ लिखना है, देन आपको सेमी कॉलन दे करके और इसी तरीके से यहाँ से क्लोज कर देना है। अब ये चूँकि यहाँ पर आपने लिख तो दिया है, अब इसको जो था फिर यहाँ पर आपको डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सारा काम हो चुका है, और वापस से चलते हैं जो हमने इंक्लूड फंक्शन बनाया है वहाँ पर, इसको हम यहाँ नीचे डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन, और फंक्शन का नाम लिख देते हैं इंक्लूड, और इंक्लूड के लिए यहाँ पे हम दे देते हैं फाइल नेम। फाइल नेम बेसिकली क्या है, जो हमने सी एस एस की जो फाइल वहाँ पे डाली हुई है वो उसी को हमने एज ए वेरिएबल यहाँ पे डाल दिया। अब इसके अंदर जो भी फाइल हम इंक्लूड करेंगे, चाहे जावा स्क्रिप्ट की एक्सटर्नल फाइल अटैच करवा रहे हैं या फिर हम सी एस एस की फाइल, तो अब क्या होगा कि बार बार हमें फाइल का नाम नहीं देना होगा। एक वेरिएबल अगर मैंने फाइल नेम डाल दिया है तो वो क्या करेगा, चाहे सी एस एस हो या जावा स्क्रिप्ट की एक्सटर्नल फाइल, सारे को एक ही बार में रीड कर लेगा। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा रिटर्न, ये लिखने का तरीका है रिटर्न एच टी एम एल सर्विस डॉट, और ये रिटर्न की स्पेलिंग यहाँ थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, आर ई टी यू आर एन, रिटर्न एच टी एम एल सर्विस डॉट क्रिएट एच टी एम एल आउटपुट फ्रॉम फाइल, और यहाँ फाइल के लिए आपको लिखना पड़ेगा ये वाला जो फाइल है फाइल नेम, फाइल नेम डॉट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा गेट कंटेंट। तो ये हमने अभी लिख दिया है, अब मैं इसको कर देता हूँ सेव, और मैं दोबारा से एक बार रन करने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको देखिए सारा डेटा यहाँ पे एक एक करके पॉपुलेट हो रहे हैं, और यहाँ पे 120.18 और यहाँ पे सारा डेटा आ चुका है। हम लोग थोड़ा ऊपर से चलते हैं और देखते हैं कि क्या डाटा किस तरीके से आ रहा है। ये देखिए सारा सी एस एस की फाइल यहाँ पे लगी हुई है, वो भी हमारा इंक्लूड हो चुका है। और जस्ट थोड़ा से नीचे चलते हैं, हमारा जो एच टी एम एल की फाइल है वो देख लेते हैं यहाँ पे किस तरीके से आ रहा है। और बिल नंबर में देखिए यहाँ 1552 आ रहा है यहाँ पे, और ये देखिए डेट आ रही है, पर डेट का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सही नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे आप देखें तो डेट हमारा जो कुछ दूसरे तरीके से आ रहा है। मैं अभी आपको जस्ट दिखाता हूँ, डेट इस तरीके से आ रहा है। तो इस तरीके से डेट को लाने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट ऊपर अभी चल के हम देख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे चल के देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं सारी कुछ। यहाँ पर देखिए ए बी आर ओ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे जो उसका एड्रेस है और यहाँ पे इसका जो पिन कोड है वो सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो अभी डेट सही नहीं आ रहा है, तो हम डेट को ठीक कर लेते हैं। तो डेट को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, जो डेट है यहाँ पे बिल डेट है, तो बिल डेट को गेट वैल्यूज ना करके यहाँ पर एक और मेथड है हमारे पास, गेट डिस्प्ले
वैल्यू। तो डिस्प्ले वैल्यू से क्या हो जाएगा, जो डेट जिस तरीके से डिस्प्ले हो रही है उसी तरीके से हमें दिखाई पड़ेगी। मैं एक बार दोबारा रन करके देख लेता हूँ, तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और ये देखिए अभी यहाँ ऑर्डर डेट है बिल्कुल परफेक्टली दिखाई पड़ने लगा। तो हमारा यहाँ पे काम हो चुका है। अब इसी जो डेटा है जो हमें अभी यहाँ मिल रही है इसको हमें HTML के हमको अपने ईमेल में अटैचमेंट के रूप में डालना है। तो कैसे डालेंगे वो चीज़ देख लेते हैं। तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब हमारे पास एक मेथड है जो कि मेल भेजने का है, जो क्लास मेल ऐप डॉट सेंड ईमेल। इसके बाद यहाँ पर आपको मैसेज देना पड़ता है। मैसेज में मतलब यहाँ पे आपको सबसे पहले देना पड़ेगा ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस हम यहाँ पे जो कुछ भी हम ईमेल डालें उसके अकॉर्डिंग हमें ईमेल भेजना है। तो अभी हमने अपना ही ईमेल नंबर डाला हुआ है आईडी, तो हमारा जो ईमेल होगा वो हम यहीं से उठा लेते हैं डायरेक्टली। तो ये रहा हमारा ईमेल, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया कॉमा। अब यहाँ पे बोलता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आपको दिखना है टुडे, आप कुछ भी लिख सकते हो। टुडे इज योर बर्थ। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा अब बॉडी में आप क्या लिखना चाहते हैं। तो आप बॉडी में जो कुछ भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखते प्लीज फाइंड अटैचमेंट, ऐसा कुछ लिख देता हूँ आपको जो लिखना है। उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शंस है जो ऑब्जेक्ट आप दे सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो लिखने का तरीका है वो करली ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। यहाँ पे लिखना होगा आपको HTML बॉडी, HTML बॉडी, क्योंकि इसमें क्या होता है ये कोई भी ऑब्जेक्ट आप पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मुझे HTML का जो टेम्पलेट है वो मुझे डालना है, तो यहाँ पे आप HTML की डेटा को भी सेंड कर सकते हैं और अटैचमेंट अगर कुछ हो तो वो भी डाल सकते हैं। तो HTML बॉडी में मुझे अभी HTML की डेटा भेजना है, तो मैं डायरेक्टली HTML बॉडी में ये जो टेम्पलेट अभी हमने बनाया हुआ है इसको हम भेज दें यहाँ इस तरीके से। तो ये हमारा पूरा जो मेल, अब चूँकि सारा डेटा हमें मिल चुका है उस डेटा को हमने HTML बॉडी के रूप में सेंड कर दिया अपने मेल के साथ। तो ये सारा जो फंक्शन है वो बन के रेडी हो चुका है। मैं वापस अपने ई मेल में चलता हूँ और ये मैं कर देता हूँ यहाँ पर डिलीट। अब मैं यहाँ पर देखिए कोई भी मेल आया नहीं है, मैं वापस से चलता हूँ एक बार रन करके चेक कर लेता हूँ। एक बार दोबारा से परमिशन दे देते हैं। और ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। मैं वापस अपनी ईमेल के अंदर चलता हूँ और यहाँ पर एक बार इसको मैं रिफ्रेश कर लूँगा। और यहाँ पर कुछ अभी तक मेल आया नहीं है, तो हम एक बार दोबारा से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये मेल अभी यहाँ तक यहाँ पर आया नहीं है, तो वापस हम चलते हैं यहाँ पर और चेक करते हैं कि जो हमने ईमेल डाला हुआ है यहाँ पर वो क्या वाकई में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे HTML डॉट गेट वैल्यू, तो हम अपने वापस से चलते हैं ये चेक करते हैं कि ये HTML में है कि नहीं। HTML में ही है PME1@gmail.com। तो यहाँ पर ईमेल ही कर रहा है, यहाँ पर ईमेल कोई बात नहीं। मैं वापस एक बार इसको रन करके चेक कर लेते हैं और अपने ईमेल के अंदर चलते हैं और ये देखिए मेल आ चुका है। परचेज नंबर यहाँ पे ऑर्डर नंबर आ चुका है, परचेज डेट आ चुका है, जो कुछ भी डाटा था यहाँ पे सारे आ चुके हैं। और मैं थोड़ा सा नीचे चलूँ आपको दिखाऊँगा सब कुछ यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर ड्यू डेट का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सही नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आप इसको सही करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था गेट डिस्प्ले वैल्यूज वो आप करते तो बिल्कुल परफेक्टली डेटा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे चलता हूँ और गेट वैल्यूज़ की जगह लिख देता हूँ गेट डिस्प्ले वैल्यूज। इसको एक बार सेव करता हूँ और वापस अपने मेल चलता हूँ, उसको डिलीट कर देते हैं।
और वापस से एक बार चल के इसको रन करें, और ये आ चुका है यहाँ पे मेन दोबारा। और मैं थोड़ा नीचे चल के देख लूँ, और ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है, और आपका सारा बिलिंग का अटैचमेंट यहाँ पे एज ए HTML टेम्पलेट के रूप में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है बना सकते हैं। इसका जो डेटा है पूरा मैं सोर्स कोड अपनी वेबसाइट प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ पर जा करके इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके आप अपने जॉब कोड के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।